नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान होशंगाबाद जिले की पिपरिया पहुंचे दिग्विजय सिंह के रात्रि विश्राम हेतु मैरिज गार्डन बुक किया, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया। दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ पैदल चलकर नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं, जो कल रात्रि को पिपरिया के समीप सांडिया नर्मदा तक पहुँचे। यहाँ दिग्गी राजा और उनके साथ चल रहे परिक्रमा वासियों ने रात्रि भोज कर आराम किया। गौरतलब है कि दिग्गी राजा ने परिक्रमा आरंभ करने से पहले कहा था कि यात्रा के दौरान नहीं किसी के घर में भोजन करूंगा, नहीं रात्रि में विश्राम करूंगा और नहीं उनके साथ किसी भी प्रकार का लाभ लश्कर होगा। लेकिन कल जब यात्रा सांडिया घाट नर्मदा तक पहुंची, तो नजारा कुछ और ही था। दिग्गी राजा और उनके सह परिक्रमा वासियों के रुकने और भोजन के लिए 3 मंजिला आनंद मैरिज गार्डन को बुक किया गया था। आनंद मैरिज गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और आनंद मैरिज गार्डन के बाहर 100 से भी ज्यादा गाड़ियों से आए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हजूम था। सभी के लिए बढ़िया क्वालिटी के भोजन की व्यवस्था की गई थी। दिग्गी राजा के मुताबिक तो यह यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक यात्रा है, लेकिन यह सब इंतजाम और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम देख यह यात्रा राजनीतिक यात्रा दिखाई देने लगी है। मैं तो नहीं है, ये यात्रा अभी तक 7 दिन पूरे हुए हैं और नर्मदा मैया की कृपा से निर्विघ्न पूरे हुए हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है, ग्रामवासियों का तो अपार प्रेम हमें मिल रहा है। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।